नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश है 13 मई बुधवार बीकानेर चूरू जोधपुर की खास खबरें। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें फाइटर न्यूज को और प्रेस करें बेल आइकन को। प्रदेश में लगातार कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। कल की तुलना में यह आंकड़ा वापस बढ़ गया है। प्रदेश में आज बुधवार को 87 रोगी मिले हैं और राजधानी जयपुर में सर्वाधिक 32 पॉजिटिव रोगी मिले हैं। चिकित्सा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बांसवाड़ा, भरतपुर, नागौर और टोंक में एक एक, कोटा से 3, सवाईमाधोपुर से 5, राजसमंद से 7, उदयपुर से 12, पाली से 24 और जयपुर से 32 पॉजिटिव रोगी मिले हैं। इसी के साथ प्रदेश में कुल मरीजों का आंकड़ा 4213 हो गया है। बीकानेर जिला पुलिस स्पेशल टीम और नया शहर पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए प्रमोद बैद पुत्र घेवरचंद बैद को 9 लाख रुपए के जर्दा गुटखा व बीड़ी सिगरेट के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक प्रदीप मोहन शर्मा ने बताया कि सूचना मिली थी कि पोंगल फाटा स्थित एक दुकान पर जर्दा गुटखा व बीड़ी बेची जा रही है। इस पर पुलिस टीम ने पोंगल फाटा के पास स्थित रामदेव प्रोविजन स्टोर पर दबिश दी। पुलिस ने यहां से करीब 9 लाख रुपए के मुसाफिर पान मसाला, जर्दा, गणेश जर्दा, तानसेन गुटखा व बीड़ी के पैकेट बरामद किए हैं। बीकानेर जिला कलेक्टर कुमार पाल गौतम ने सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के तहत सीमा से 10 किलोमीटर क्षेत्र से जुड़े गांवों में विकास कार्य करवाने के लिए 4 वर्षीय कार्य योजना तैयार करने के निर्देश दिए हैं। श्री गौतम ने सीमावर्ती क्षेत्र के गाँवों के सभी आधारभूत सुविधाएं विकसित हों तथा BADP के तहत स्थायी आवश्यकताओं की संरचनाएं निर्मित करने का लक्ष्य सामने रखकर काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सेना में भर्ती के लिए प्रेरित करने हेतु एक ट्रेनिंग सेंटर का निर्माण किया जाए। इस ट्रेनिंग सेंटर में दौड़ने के लिए ट्रैक और भर्ती की ट्रेनिंग के लिए सभी आवश्यक उपकरण भी उपलब्ध हों। बीकानेर से ठुकरियासर बाइक पर जा रहे कांस्टेबल प्रकाश चंद्र का श्री डूंगरगढ़ के पास मंगलवार देर रात को एक्सीडेंट हो गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों ने उसे श्री डूंगरगढ़ के अस्पताल पहुंचाया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। GNVC थाना अधिकारी गोविंद सिंह चारण ने बताया कि ठुकरिया सर निवासी प्रकाश चंद्र थाने में पदस्थापित नहीं था, वह यहां प्रशिक्षणार्थी था। घर में जरूरी काम होने से शाम को बाइक पर ठुकरिया सर के लिए रवाना हुआ। श्री डूंगरगढ़ से करीब 5 किलोमीटर पहले से सोमू स्कूल के पास बाइक का एक्सीडेंट हो गया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया। चूरू के सादलपुर में बाइक सवार सैनिक सुबह पत्नी के साथ हिसार अस्पताल में भर्ती पुत्री से मिलने जा रहा था कि गांव इंदासर व शोपुरा के बीच उनकी बाइक के सामने से आ रहे एक ट्रक ने टक्कर मार दी। पुलिस ने बताया कि तारानगर थाना अंतर्गत गांव ढाणी पूनिया निवासी लालचंद ने मामला दर्ज करवाकर बताया कि सेना में भर्ती राजेंद्र सिंह पत्नी सुनीता के साथ मोटरसाइकिल पर सवार होकर हिसार अस्पताल में भर्ती अपनी पुत्री से मिलने के लिए जा रहा था। गांव इंदासर एवं शोपुरा के बीच सामने से आ रहे एक ट्रक चालक ने बाइक को टक्कर मार दी, जिसके कारण दंपति की मौके पर ही मौत हो गई। डीडवाना से चूरू शहर में शोक में शामिल होने आ रहे 7 लोगों के 4 को स्वास्थ्य विभाग ने वापस भेज दिया, जबकि 3 व्यक्तियों को क्वारंटाइन किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार डीडवाना से 7 लोग चूरू रिश्तेदारी में हुए एक जने की मौत पर शोक व्यक्त करने आए थे। बस स्टैंड के समीप स्वास्थ्य टीम ने पहले उन्हें जाने की इजाजत दे दी, लेकिन अचानक एक व्यक्ति के खांसने पर टीम को शक होने पर रोका गया। पूछताछ करने पर व्यक्ति ने एक माह से खांसी आने की शिकायत की बात कही। ऐसे में टीम ने स्क्रीनिंग के बाद 4 लोगों को वापस भेज दिया, जबकि 3 को क्वारंटाइन किया। चूरू सदर पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान कुरकुरे व नमकीन की आड़ में 3 प्लास्टिक के कट्टों में छिपाकर ले जा रहे पान मसाला व तंबाकू उत्पाद जब्त किया है, जिनका बाजार मूल्य करीब 4 लाख रुपए आंका जा रहा है। पुलिस अधीक्षक तेजस्विनी गौतम ने बताया कि गाजसर तिराहे के पास नाकाबंदी के दौरान लोडिंग टेम्पो चालक को संदेह के आधार पर रोककर पूछताछ की गई। इस पर आरोपी ने कुरकुरे व नमकीन होना बताया। तलाशी लेने पर प्रतिबंधित तंबाकू उत्पाद व पान मसाले के करीब 8,320 पाउच बरामद किए गए। चालक बेगराज शर्मा निवासी घंटेल को गिरफ्तार कर टेम्पो को जब्त किया गया है। माचिया जैविक उद्यान के विशाल एक्लोजर्स में रहने वाले टाइगर, लॉयन और पैंथर सहित विभिन्न प्रजातियों के वन्य जीवों पर भी बढ़ते तापमान का असर नजर आने लगा है। इन्हें गर्मी से बचाने के लिए वन्य जीवों के पिंजरों के बाहर कूलर व टाटिये लगाकर उन पर सुबह शाम छिड़काव किया जा रहा है। टाइगर का जोड़ा एंथोनी और अंबिका, लॉयन जोड़ा GS व RT और पैंथर स्लीम, देसूरी, सोनू का परिवार तथा रेस्क्यू किए। गर्मी से परेशान कैट फैमिली ने वन्य जीव सुबह 8 बजे तक एनक्लोजर में टहलने के बाद भोजन करते हैं, उसके बाद शाम 6 बजे तक शेल्टर हाउस में लगे कूलर के समक्ष विश्राम करने लगे हैं।
जोधपुर के बोरानाड़ा थाना अंतर्गत के नारनड़ी गांव में सरकारी विद्यालय में चल रहे वेलनेस सेंटर में बीएलओ से मारपीट के बाद एक युवक जितेंद्र सिंह राजपुरोहित ने वीडियो का गिरेबान पकड़ लिया। उसके खिलाफ बोरनाड़ा थाने में मामला दर्ज कराया गया। पुलिस ने बताया कि विद्यालय में वेलनेस सेंटर संचालित हो रहा है, जहां दोपहर में बीडीओ मोहनलाल चौधरी निरीक्षण करने आए। उनके आने से पहले नारवाड़ी गांव निवासी बीएलओ पूनाराम पटेल तैयारी में कुछ दस्तावेज लेने के लिए मोटरसाइकिल पर वेलनेस सेंटर जा रहे थे। तब सेंटर के बाहर गांव निवासी जितेंद्र जोधपुर महामंदिर थाना अंतर्गत इमरतिया बेरा क्षेत्र में एक व्यक्ति ने फेसबुक पर एसयूवी कार का 2 लाख रुपए में सौदा करने के बाद ठग के झांसे में आकर 1.0 लाख रुपए गवा दिए। कार न मिलने पर उसे महामंदिर थाने में ठगी का मामला दर्ज करवाया है। पुलिस ने बताया कि इमरतिया बेरा निवासी सुरेश पुत्र गोपाल राम पाटी ने फेसबुक पर एसयूवी कार देखने के बाद 2 लाख रुपए में खरीदने का सौदा तय किया था। 10,000 रुपए पेटीएम से बतौर अग्रिम भुगतान किए हैं। दूसरे दिन 21,300 रुपए पैड चार्ज के मांगे, जो पेटीएम से जमा करवा दिए। इतना ही नहीं, 21,300 रुपए और 5 किश्तों में पेटीएम कराए गए। अब उसे न तो एसयूवी सपर्द की गई है और न ही रुपए लौटाए जा रहे हैं। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.